नमस्कार मित्रों, मैं आपका यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन में स्वागत करता हूं। मैं आज आपके साथ NDA 2 जो कि 9 सितंबर 2018 को आयोजित किया गया था उसके पेपर 2 के पार्ट बी। आपको पता है कि पेपर 2 में 2 पार्ट होते हैं। 1 से 50 नंबर क्वेश्चन इंग्लिश के होते हैं और 51 to 150 जो क्वेश्चन होते हैं वो GS के होते हैं, जिसमें साइंस, सोशल साइंस, करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे वीडियोज उपलब्ध हैं जिसमें किसी ने 10 प्रश्न, किसी ने 15 प्रश्न, किसी ने 20 प्रश्न के उत्तर डाले। मैं प्रयास करूंगा कि इस वीडियो में पूरे 100 प्रश्नों के उत्तर आपके साथ साझा करूं। अगर किसी प्रश्न के उत्तर पे आपको ऑब्जेक्शन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। आप अपनी भाषा को एब्यूसिव ना रखें, मर्यादित भाषा होनी चाहिए आपकी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। मैं सारे लंबे लंबे क्वेश्चंस, जो बहुत लंबे क्वेश्चन होंगे, मैं उनको पढ़ूंगा नहीं, उसके आंसर बताते जाऊंगा आपको। तो ए बॉल इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट एंड रोल्स डाउन ऑन इंक्लाइंड प्लेन एज शोन इन द फॉलोइंग फिगर, रिक्वायरिंग 4 सेकेंड टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 100 सेंटीमीटर एलोंग द प्लेन। याद रखिएगा कि यहाँ पे यूनिट उन्होंने सेंटीमीटर में लिया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वैल्यू ऑफ द एंगल थीटा दैट द प्लेन मेक्स विद द हॉरिजॉन्टल, और जो स्मॉल जी होती है उसकी वैल्यू उन्होंने 1000 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर दी है। तो चलिए, तो अगर यहाँ से आप फार्मूला में इसको पुट करते हैं तो आपको जो थीटा की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी साइन इनवर्स 1/80, अर्थात 51 का जो राइट आंसर है वो होगा सी। द कोफिशियंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन ऑफ ए मटेरियल इज 1.6×10⁻⁵ के इनवर्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द वैल्यू ऑफ द कोफिशियंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ दिस मटेरियल। तो इसकी राइट वैल्यू होगी 2.4×10⁻⁵ के इनवर्स। 52 का बी। जो 53 जो क्वेश्चन है, द रिफ्लेक्टिव इंडिसेज ऑफ द टू मीडिया आर डिनोटेड बाई N1 and N2 एंड द वेलोसिटीज रिस्पेक्टिवली V1 and V2। इफ N2/N1 इज 1.5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इसकी जो वैल्यू होगी V1 इज 1.5×V2। तो 53 की राइट आंसर होगी ए। 54 नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रीन हाउस गैस इज द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन इन द एटमोसफियर। तो कार्बन डाइऑक्साइड की एटमोसफियर में कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। तो 54 का राइट आंसर है सी। 55 नंबर क्वेश्चन, कोफिन्स क्लाइमेट टाइप दिए हुए हैं, उनको किस लेटर से डिनोट किया जाता है, इसकी मैच द फॉलोइंग करानी है। तो आपको पता होनी चाहिए कि ट्रॉपिकल ए से होती है, तो ए का हो गया फर्स्ट, और जो मिडल जो डेजर्ट होता है वो बी से डिनोट करते हैं, तो बी का हो गया 4, तो 1/4 इसकी राइट आंसर हो गई ए। 55 का आपका राइट आंसर हो गया ए। 56 नंबर क्वेश्चन है, उसमें रेलवे जोन दिए गए हैं, उसके हेडक्वार्टर मिलाना है, तो आप मैच कर देंगे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और 56 का राइट आंसर है डी। 57 नंबर क्वेश्चन फैक्चुअल क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा फैक्चुअल है, क्योंकि सारी जगहों का सेक्स रेशियो याद करना भी छोटे छोटे स्टेट्स का बहुत मुश्किल काम है। 57 का राइट आंसर है सी। 58 जो क्वेश्चन है उसकी राइट आंसर है बी, क्योंकि बाकी ना सब इस सेम लैटिट्यूड में और एक कनाडा में है। 59, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोसेस ऑफ केमिकल वेदरिंग। इसकी जो राइट आंसर है 59 की वो है डी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट फॉर ए प्लेन मिरर। इसकी राइट आंसर है जो मिरर बनेगी वो वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी और लेटरल इन्वर्टेड बनेगी। तो 60 का सी।
जो 61 क्वेश्चन है उसकी राइट आंसर होगी एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स मिरर व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, जिसकी राइट आंसर होगी इट विल नेवर फॉर्म एन इन्वर्टेड इमेज। जो आपकी 62 क्वेश्चन है ये भी फिजिक्स, इस बार फिजिक्स से बहुत ही ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं, लगभग 20 प्रश्न पूछे गए हैं, तो इसकी राइट आंसर है 62 की बी 0.4 टेस्ला। 63 नंबर क्वेश्चन क्वालिटी से सिंपल क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, द राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम और राइट अगेंस्ट एक्सप्लोशन फंडामेंटल राइट है और राइट टू सिटीजन फंडामेंटल राइट नहीं है, तो 63 का राइट आंसर है सी। 64 व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स आर इंट्रोड्यूस्ड बाय द पुर्तगीज इन इंडिया, तो चिली, 64 का डी। 65 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मर्चेंट गाइड्स ऑफ साउथ इंडिया, तो जो दोनों ही स्टेटमेंट है वो राइट लग रहे हैं, फिर भी आप इसे एक बार ना स्टार में लगा लीजिएगा और जब आयोग की आंसर बाद में रिलीज होती है तो आप उसे मैच कर लेंगे, अपने बेसिस पे आप इसे देख लेंगे, जैसे मेरे अनुसार से इसके आंसर सी होनी चाहिए। 66 जो क्वेश्चन है जिसमें बाकी पूछ रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैच, तो रामानुजा जो थे उनका संबंध विशिष्टा द्वैत से था, तो इसकी 66 की राइट आंसर होगी सी। 67 ये वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसे आप देख लेंगे, व्हेन डिड द स्टैम्प एक्ट कांग्रेस कंसिस्टिंग ऑफ डेलीगेशन फ्रॉम 9 ऑफ द 13 कॉलोनीज ऑफ अमेरिका मेट इन न्यूयॉर्क सिटी, इसकी राइट आंसर है 1765 सी। 68 क्वेश्चन है कि विजयनगर किंगडम में कौन सा इटली का ट्रैवलर आया था, तो निकोलो कॉन्टी ने विजिट की थी उस समय। 69 क्वेश्चन है कि वेयर डिड द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी फर्स्ट एस्टेब्लिश इट्स फैक्ट्री इन इंडिया, तो फर्स्ट उन्होंने फैक्ट्री लगाई थी वो सूरत में लगाई थी और सेकंड लगाई थी मछलीपट्टनम में, तो 69 की राइट आंसर है बी। 70 CBSE की जो एस्टेब्लिशमेंट हुई थी संथानम कमेटी के रिकमेंडेशन पे हुई थी, तो 70 का ए। असर्शन स्टेटमेंट और दो स्टेटमेंट दिए गए, इस बेसिस पे आपको चार ऑप्शन दिए गए, तो आप ऑप्शन पढ़ लें पहले। तो 71 जो क्वेश्चन है द पिच ऑफ साउंड वेव डिपेंड्स अपॉन इट्स फ्रीक्वेंसी एंड द लाउडनेस ऑफ द साउंड वेव डिपेंड्स अपॉन इट्स एम्पलीट्यूड, ये दोनों ही स्टेटमेंट राइट है, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट फर्स्ट को एक्सप्लेनेशन नहीं है, जिसकी राइट आंसर होगी बी द 71 या बी। 72 नंबर क्वेश्चन है साउंड वेव कैन नॉट प्रोपोगेट इन वॉल्यूम, सॉरी वैक्यूम, आपको पता है वैक्यूम में साउंड वेव नहीं चल सकता, साउंड वेव इलास्टिक वेव एंड रिक्वायर मीडियम टू प्रोपोगेट, तो दोनों ही स्टेटमेंट राइट है और सेकंड स्टेटमेंट फर्स्ट का एक्सप्लेनेशन भी है, तो इसकी राइट आंसर होगी ए। 73 नंबर क्वेश्चन है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इंट्रोड्यूस डायरेक्टली एट द स्टेट, सही है, ये राइट ऑफ स्टेटमेंट है, द प्रोविंशियल ऑटोनॉमी वाज ग्रांटेड टू द प्रोविंसेस, तो दोनों ही स्टेटमेंट राइट है, लेकिन फर्स्ट जो स्टेट जो सेकंड स्टेटमेंट है एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इसकी आंसर होगी बी। 74 फर्स्ट स्टेटमेंट राइट है, मुगल के जहांगीर के पीरियड में पेंटिंग जो है अपने क्लाइमेक्स पे थी, और इसकी सेकंड ऑप्शन है वो रॉन्ग है, तो 74 का जो राइट आंसर होगा वो होगा सी। 75 की राइट आंसर है बी। 76 नंबर जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर है डी। 77 नंबर तो इसमें जो है पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ सेलुलर ऑर्गेनल लेज कंटेंट्स डीएनए, तो माइक्रोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट, इसकी आंसर 77 की ए। 78 क्वेश्चन की जो है एडिशनल फंक्शन ऑफ एसीआर पूछा है, तो लिपिड सिंथेसिस होनी चाहिए, अच्छे कुछ लोग इसका आंसर
डिटॉक्सिफिकेशन भी बता रहे हैं, तो आप एक बार चेक कर लेंगे। मेरे अनुसार इसकी आंसर होनी चाहिए बी। डैमेज टू द एपिकल मेरिस्टेम ऑफ ए ग्रोइंग यंग प्लांट विल अफेक्ट द तो लेंथ ऑफ द प्लांट, ग्रोथ को अफेक्ट करता है, तो उस हिसाब से इसकी 79 की ए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स हैज अ हैव ओनली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो इसकी होगी दोनों बोथ सी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर ब्रोन डिजीज, तो आपको पता है जॉन्डिस, बाकी तो तीन से वाटर से संबंध नहीं है डायरेक्टली, तो 81 का राइट आंसर है ए। 82 जो प्रश्न है, द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट इज 8, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल इट गेन टू फॉर्म ए कंपाउंड विथ सोडियम, तो इसकी राइट आंसर होगी 2। जो आपको 83 नंबर क्वेश्चन है उसकी जो राइट आंसर है वो डी है 16.5। आप एक बार देख लेंगे, इसको भी केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। इस बार साइंस की जो सेक्शन है ना उससे बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे गए हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए हेट्रोजेनस मिक्सचर, तो मिल्क जो होता है वो हेट्रोजेनस मिक्सचर होता है। जो 85 नंबर क्वेश्चन है ये भी केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन है, आप इसे बना लेंगे। 83 यू इसका आंसर आ रहा है। 86 मैच द फॉलोइंग है, इसका राइट आंसर है बी। 87 भी मैच ही करनी है, ज्योग्राफी से क्वेश्चन है दोनों ही, और 87 का जो राइट आंसर है वो है सी, क्योंकि जो यामो है वो जापान में है, हाबूब सूडान में है। माजली द्वीप तो आप सबको पता ही होना चाहिए, ब्रह्मपुत्र नदी पे है। इसके बाद पूछ रहा है कि नेगेटिव ग्रोथ रेट, तो 2001 के सेंसस में इसकी सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट थी और 2011 में इसकी ग्रोथ रेट नेगेटिव हो गई थी, तो राइट आंसर है नागालैंड। इसके बाद जो 19 नंबर क्वेश्चन है, फॉलोइंग टाइप्स ऑफ क्लाउड इज कैरेक्टराइज टू बाय कंटिन्यूअस प्रेसिपिटेशन, तो इसकी राइट आंसर है डी। इसके बाद मेजर पोर्ट्स दिए गए हैं, लोकेशन दिए गए हैं, तो 91 को अगर हम मैच करेंगे तो 91 की राइट आंसर होगी बी, क्योंकि विशाखापट्टनम आपकी लैंडलॉक एरिया में है। 92 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एजेंट ऑफ मेटामॉर्फिज, तो 92 की जो राइट आंसर है होनी चाहिए वो होनी चाहिए डिकम्पोजिशन सी। किसकी पीएच वैल्यू 7 से कम है, तो PCl3 की जो वैल्यू होती है वो 7 से कम होती है। इसके बाद 94 की राइट आंसर है 2Mg प्लस O2 2MgO। 95 जो प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज एज फर्टिलाइजर, तो एल्युमिनियम सल्फाइड, सॉरी एल्युमिनियम सल्फाइड जो है इसका यूज नहीं किया जाता है फर्टिलाइजर के रूप में। इसके बाद जो जिप्सम का फार्मूला होता है वो कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O होता है, यानी 96 का ए। 97 की जो राइट आंसर है, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, 97 का सी। जो एक्सरे की वेवलेंथ है वो 1 एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर में मापी जाती है। क्वेश्चन जो है ये फिजिक्स का क्वेश्चन, इसकी राइट आंसर होगी -1 m/s² 100 1/f इसका फार्मूला होता है पावर का, इसकी +2 d होगी। ये जो साइन गैस है इसको वाटर गैस भी कहा जाता है, इसकी फार्मूला होगी CO+H2 101 का सी। अल्ट्रासाउंड वेव की जो फ्रीक्वेंसी होती है मोर देन 20,000 Hz होती है, तो इसका राइट आंसर होगा डी। 103 जो आपको क्वेश्चन है उसकी राइट आंसर होगी डिपेंड ऑन द करंट इन द वायर ए। 104 की राइट आंसर है P-P/2। अब मैं सारे प्रश्न नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगी।
एमस्ट्रोन और नैनोमीटर में जो रिलेशन होती है वो होती है सी वन नैनोमीटर इजकल सॉरी वन नैनोमीटर इजकल टू 10 एमस्ट्रोन। एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड। 107 आपका क्वेश्चन है, उसकी राइट आंसर है बी। वन हंड्रेड एट को आप अरेंज करेंगे उससे तो लगता है कि ईटानगर होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि अरुणाचल सबसे किनारा उधर पड़ता है, लेकिन अगर आप देखोगे तो ईटानगर इधर आ जाता है, इसकी जो कैपिटल है अरुणाचल ऑफकोर्स लास्ट तक सबसे है। इसको आप मैच करोगे तो 108 की जो राइट आंसर होगी वो होगी ए 3214। अपलैंड्स ऑफ डेल्टा रीजन की बात करोगे तो चार्स जो होती है वो अपलैंड्स में आती है, तो इसकी राइट आंसर होगी 109 की डी। 110 को अरेंज करनी है, अगर आप इसे अरेंज करोगे तो इसकी राइट आंसर आएगी आपको बी 2431। 111 की राइट आंसर है डी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द टेम्परेचर इज करेक्ट, तो आप इस फैक्ट को याद कर लेंगे। वन हंड्रेड ट्वेल्व जो क्वेश्चन है उसकी जो राइट आंसर है वो है बी हेलो क्लाइन। 113 की राइट आंसर है बॉइलिंग। 114 जो क्वेश्चन है उसकी राइट आंसर है ए 3Cu प्लस 8HNO3। जो 115 क्वेश्चन है उसकी राइट आंसर है फास्फोरिक एसिड, ट्राइबेसिक एसिड इसकी नेचर है। 116 जो क्वेश्चन है उसकी राइट आंसर है डी ग्राफिक्स लेयर आर हेल्ड टुगेदर बाय कार्बन एंड कार्बन सिंगल बॉन्ड, एक करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। 117 मैच बुक करनी है तो गांधी जी की बुक है हिंद स्वराज, नेहरू जी की बुक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, और इसी दो से आपकी आंसर आ जाएगी। तो 117 की राइट आंसर होगी सी। 118 अब करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है जो कि इस सेक्शन में कुछ ईजी है। जावी वाको फीफा के मस्कट है। जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी वो मणिपुर में खोली जा रही है। सेंटोस में भी ट्रंप और नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट के बीच में मीटिंग हुई थी, किम जोंग उन के बीच में, सिंगापुर में। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का इंडिया ने विरोध किया था, इसके ऑब्जेक्शन किए थे। और G7 में रसिया नहीं है, उसे हटा दिया गया, पहले G8 ऑर्गेनाइजेशन का नाम था। होम रूल में आपको पता है कि बाल गंगाधर तिलक ने की थी, तो 123 का सी। जजेस की अपॉइंटमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट में प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा की जाती है। और जो सेकेंड फाइव ईयर प्लान था उसी के नाम थे नेहरू महाबुलिस स्ट्रेटजी। 126 जो क्वेश्चन है उसकी जो राइट आंसर है प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल लॉ पॉलिटी के क्वेश्चन है DPSP से। सोशलिस्ट जो शब्द है उससे 42nd अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया गया था। फोर्ट सेंट जॉर्ज गुजरात ये भी करंट का क्वेश्चन है। जो चेयरमैन ऑफ एक्स ऑफिशियो चेयरमैन जो होते हैं नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के वो होम मिनिस्टर होते हैं। और जो ब्लड डोनर डे 2011 की जो थीम थी वो है बी देयर फॉर समवन एल्स गिव ब्लड शेयर लाइफ। सेवा भोज योजना जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। और डॉक्टर बिंदेश्वरी पाठक के जो संस्थान का नाम है वो है सुलभ इंटरनेशनल। बचपन बचाओ जो है कैलाश सरदार्थी का है। तेंद्र 52 के इम्पोलिटी क्वेश्चन जिसकी राइट आंसर सी होगी। थियोसोफिकल सोसाइटी एनी बेसेंट एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के थे आपको पता होना चाहिए, बाल गंगाधर तिलक बिपिन चंद्र पाल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ड्राइएस्ट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, द एसिडिक
जो ए वाली क्वेश्चन है इसकी जो राइट आंसर होगी वो होगी पेनक्रेटिक जूस। तो 138 की ए, 139 जो क्वेश्चन है उसकी होगी लेफ्ट एरिकल, 140 उसकी राइट आंसर है ए वाटर, 141 इसकी जो स्टार्टिंग होती है ना सर्किट ऑफ रिफ्लेक्स आर्क की वो रिसेप्टर होती है और जो एंडिंग होती है इफेक्टर होती है। तो अगर आप इससे मिलाओगे तो एक ही ऑप्शन, दो ऑप्शन हैं, तो आप अगर बीच में ही इसको मिलाओगे तो 141 की आंसर बी होनी चाहिए। का डी है, 143 का बी, 144 का सी एब्सोल्यूट जीरो की वैल्यू, 145 का 1 and 2 ओनली, 2T इसकी टाइम पीरियड होगी जो नई टाइम पीरियड है, रेड जो होती है ना वो लाइव वायर है, ग्रीन ग्राउंड वायर और ब्लैक न्यूट्रल वायर। तो 147 की सी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 148 का R1 इज लेस देन R3 और R3 इज लेस देन R2। 149 जो क्वेश्चन है उसकी 4 वाली जो स्टेटमेंट है वो गलत है, माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप के बारे में पूछा गया है और बाकी स्टेटमेंट इसके राइट है, तो इसकी राइट आंसर होगी डी। और 150 जो क्वेश्चन है उसकी आपकी राइट आंसर होगी सी G1/2। तो अगर आपने इस वीडियो को पूरा उस अंत तक देखा है तो अगर किसी भी प्रश्न पर आपको आपत्ति है तो आप कमेंट सेक्शन में उसे बता सकते हैं और राइट आंसर भी अगर आपको जो पता हो सोर्स के साथ उसे मेंशन कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।